नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप एशिया कप स्पेशल रणतंत्र और एशिया कप में, नमस्ते, मैं भुआ बोल रहा हूँ, एशिया कप के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर्ड यानी विराट कोहली, जो कि हाईएस्ट रन स्कोर्ड भी हो सकते थे, वो तो मोहम्मद रिजवान को फाइनल की वजह से एक और मैच ज्यादा खेलने को मिल गया, उन पर सरहद पार से कमेंट आया है भाई साहब। और आपको तो पता है कि सरहद पार वाले हर हद पार कर जाते हैं। तो शाहिद अफरीदी बोले तो लाला ने एक बार फिर मुंह से हकते हुए बोला, ए मतलब किया तो वही है उन्होंने पॉटी। उन्होंने बोला कि विराट कोहली एक चैंपियन प्लेयर है, लेकिन हर खिलाड़ी को कभी ना कभी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, और अब विराट जब क्रिकेट में अपने टॉप मुकाम पर रहे तभी उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ओहो, देखो लाला, पहले तो आप अपनी ओपिनियन की बत्ती बनाइए और गॉड फरमाइए। अर्ज किया है, क्या बात है बउआ भाई, एक मिनट, क्या बात है वो बोलने से पहले जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूँ ना, अगर ये लाइन आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे और अफरीदी लाला को, दोनों को ट्विटर पे और इंस्टा पे सब जगह टैग जरूर करना। तो अर्ज किया है, हाँ, कि बेईमान का टैलेंट है कि वो हमेशा ठग लेता है। क्या बात है, बेईमान का टैलेंट है कि वो हमेशा ठग लेता है, और लाला जब भी मुंह खोलता है हक देता है। अफरीदी भावनाओं में बह गए, तो सोचा आज की वीडियो की शुरुआत उनसे ही कर दी जाए और उनको बता दिया जाए कि ओ लाला जी, विराट कोहली को टीम से कोई नहीं निकाल रहा। मतलब जब आपको T20 इंटरनेशनल में 17 और वनडे में 24 के एवरेज पर कोई नहीं निकाला, तो विराट को कोई कैसे निकालेगा बे? इसलिए आप ज्यादा ज्ञान न पेलें, क्योंकि विराट को तो अभी कई सारे गेंदबाजों को पेलना है। खैर, आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और आपको बताते हैं कि एशिया कप से टीम इंडिया को 3 सबसे बड़ी सीख क्या मिली है। क्योंकि बात विराट कोहली की हो रही है, इसलिए पहली सीख जो मिली है वो तो विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन को लेकर ही बात करते। चलिए, विराट की 71वीं सेंचुरी आ गई है, लेकिन T20 फॉर्मेट में वो आ जाएगी, इस बात का अंदाजा तो विराट कोहली को खुद भी नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान के साथ हुए मैच में रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने आए कोहली ने 122 रन बना डाले और एक नए डिबेट को जन्म दिया कि क्यों ना T20 वर्ल्ड कप में कोहली से ही ओपन करवाएं। लेकिन जब यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में KL राहुल से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, बाहर बैठ जाऊं, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं। राहुल का सवाल भी वाजिब है, लेकिन विराट के ओपन करते वक्त जो आंकड़े हैं वो भी कड़क हैं, जबरदस्त। उन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में 9 मैचों में ओपनिंग करी, जिनमें से वो 2 बार नॉट आउट रहे हैं। उनके नाम 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी भी हैं, और रन भी उन्होंने 57 की एवरेज से बनाए हैं। लेकिन राहुल को तो बाहर बिठा नहीं सकते, इसलिए मामला रणबीर कपूर की लव लाइफ से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वसीम जाफर के हिसाब से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी ने रोहित शर्मा से ओपनिंग कराने का फैसला किया था, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री हो गया है। टाइम आ गया कि अब रोहित भी इस तरह की डिसीजन लें और कोहली राहुल से ओपनिंग कराएं, सूर्य कुमार को नंबर 3 पर भेजें और खुद नंबर 4 पर आकर बैटिंग करें। वेल, आपके हिसाब से इंडिया के टॉप ऑर्डर को कहां आकर खेलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारा सजेशन कैसा लगा उसके बारे में भी आप लिखिएगा, और बताइएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक पहुंचाएगा यार, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीख नंबर 2, लेसन नंबर 2 जो टीम इंडिया को मिला इस एशिया कप से। टीम इंडिया एशिया कप में सिर्फ 3 गेंदबाजों को लेकर गई थी, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह। इस बीच आवेश खान को बुखार आ गया, टीम से बाहर चले गए, उनकी जगह पांड्या को तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभानी पड़ी। जिस बॉलिंग फॉर्म में हार्दिक थे, हमें लगा कि एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो जाएगा, और हो गया तो इंडिया के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। लेकिन 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 ऐसा हुआ नहीं। एशिया कप से यह बात क्लियर हो गई कि पांड्या हमारे तीसरे पेसर नहीं हो सकते, और इसी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में 5 तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। लेसन नंबर 3, टीम इंडिया के पास RJ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। अच्छा, खुद के बारे में बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, रविंद्र जडेजा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में जीत की एक बड़ी वजह रविंद्र जडेजा थे, और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में मिली हार की भी एक बड़ी वजह रविंद्र जडेजा का ना होना था। और अब अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, और उनकी गैर मौजूदगी से ये बात क्लियर हो गई है कि इंडिया के पास उनका कोई भी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। अक्षर पटेल सबसे नजदीकी ऑलराउंडर नजर आते हैं, लेकिन टीम को वो डेप्थ नहीं दे पाते जो जडेजा दे रहे थे। रविंद्र जडेजा का टीम से बाहर जाना 2 खिलाड़ियों का टीम से बाहर चले जाने के बराबर है। जितनी वैरायटी उनके पास क्रिकेट में है, उतनी तो दिवाली में हलवाइयों के पास भी नहीं होती मिठाई में। अब इसमें टीम मैनेजमेंट या किसी और की तो कोई गलती है भी नहीं। इतने टैलेंट की एक दिक्कत यही होती है कि आपके बराबर कोई और टैलेंटेड होता नहीं है, और फिर टीम के पास रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं रहता, और यह बात टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत खलने वाली है।
खैर आपके हिसाब से एशिया कप में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज 15 सितंबर है और सारी टीमों के लिए वर्ल्ड कप वाली टीम अनाउंस करने की आज कट ऑफ डेट है, यानी आज हमारे पास T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सभी देशों की टीम आ जाएंगी और हम आपको कल बताएंगे कि उनमें से सबसे बड़ी उम्मीदवार यानी सबसे कड़क टीम कौन सी लग रही है जो वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया को टक्कर दे सकती है। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करिएगा और आपका कमेंट ना भैया हमको बहुत ज्यादा पसंद है, पढ़ता भी है, बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा भाई साहब पढ़ते हैं, सब पे रिएक्ट नहीं कर पाते, टाइम का कमी है। हाँ टाइम का कमी है, तभी चार चैनल खोल के बैठा है, टाइम का कमी। बउवा भाई नजर ना लगा, नजर लगा नहीं रहे, नजर रख रहे हैं। क्या बात है, लगा नहीं रहे रख रहे हैं। तो एक काम करिए, आप भी हमारे बाकी चैनलों पे भी नजर रखिए, क्योंकि रिव्यू पर भी एक कड़क वीडियो, क्रिको पर भी कड़क वीडियो और आरजे रौनक पे भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। फिलहाल जाएगा, कल मिलने फिर से आएगा यहीं पर। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।